दो कित्ते हमें मिल गए हैं। यहाँ पर गाइस दो मच्छी मिल चुकी है। वीडियो तो पढ़नी। तो गाइस ये दो अभी एक साथ मिल चुकी है, बड़ी मुश्किल से आजकल मच्छी मिलने बैठ गई है। आज हम जा रहे हैं फिर अपना लक आजमाने फिशिंग करने, तो देखते हैं गाइस। बहुत टाइम से मतलब हम जब भी गए फिश मिली नहीं, तो इस बार आज फिर हम अपना लक आजमाने जा रहे हैं। तो हम आ रखे हैं घर से बहुत दूर, तो आपको दिखाता हूँ किस साइड आ रखे हैं। और जा रहे हैं हम जंगली जंगल, वैसे बहुत कम लोग आते हैं इस साइड। और यहाँ भाई सांपों का डेरा रहता है। अगर मैं वीडियो बनाता रहूँ और पता चल रहा आगे से सांप आ गया तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ किस जगह पर चल रहा हूँ अभी। गाइस ऐसी जगह पर हम चल रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी है और नदी ये है सामने। भाई साहब यहाँ तार टूट रखा, ये ऐसे ऐसे फलांग मार, और ये देखिए पूरा दलदल है। तो गाइस आपको हम रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे रास्ता है यहाँ, और इन रास्तों पर हमें चलना पड़ता है। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे नदी किनारे और वहाँ का सफ़र दिखाएंगे आपको। अभी हमने जाना है जो ये डंपिंग जोन है रोड वालों की, इस रास्ते पर। और हमें भी रास्ता पता नहीं है, और डंपिंग जोन बड़ा ख़तरनाक है, और रास्ता ढूंढेंगे और रास्ता बना के हम चलेंगे। तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे ये, आप बने रहना साथ में। ये देखिए गाइस ये है रास्ता, मतलब झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है। इन झाड़ियों से होकर के हम चलेंगे। और आजकल आपको पता है भाई सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस साइड तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। समझ लेकर ही चले हैं, सांप सूप देखे करी, क्योंकि सांप बहुत रहने हैं। फिर डालने के लिए हम यहाँ भी डाल सकते हैं जाल, लेकिन इन जगह जाल डालने के लिए है नहीं, इसलिए हम चल रहे हैं और आगे जहाँ हम जाल डाल सके। और इस डंपिंग जोन को क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है। पहले यहाँ रास्ता हुआ करता था, इन्होंने डंपिंग जोन बना लिया जिस वजह से बिल्कुल रास्ता है नहीं। ये देखिए रोड की डंपिंग जोन है ये। तो गाइस निकल चुके हैं हम इसे क्रॉस करके, और अब जा रहे हैं हम आगे। और देखिए यहाँ पे किस तरह का रेगिस्तान की टाइप का बना हुआ, आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। और बहुत ही प्यारा नज़र, ये देखिए गाइस कितना प्यारा भाई यहाँ दलदल टाइप का हो रखा है। देखिए कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। तो ये पूरी नदी, तो यहाँ हम फिशिंग करेंगे और चलते हैं हम आगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे पूरी भरपूर मच्छी मिल जाए। भाई बहुत टाइम से खाली आ रहे हैं, और इस बार बहुत टाइम के बाद हम फिशिंग करने दोबारा आए हैं नदी में। तो देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है मच्छियाँ। गाइस आप देखिए अभी हमारे पीछे का नज़ारा कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और यहीं से हम करेंगे स्टार्ट फिशिंग करना, और देखते हैं भाई मिलते हैं या नहीं मिलती है, हमारे किस्मत में है कि नहीं है फिश। करीबन एक दो साल हो चुके हैं फिश मतलब चखी नहीं हमने, मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। जो घर की फिश होती है जो तालाब में पाली जाते हैं वो खा रहे हैं, लेकिन नदी की जो फ्रेश फिश होती है भाई उन्हें खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो चलते हैं देखते हैं। और अभी और मिलेगी, ये मिल चुकी है भाई हमें मच्छी। चलो भाई फाइनली। तो गाइस ये देखिए पहले हमारे बचपन के खेल हुआ करते थे, और फिर करते थे हम जादू वाला सीन। ये देखिए चले गया कहाँ तक, और अब कर भाई जादू वाला खेल। तो एक मच्छी भी मिल चुकी है, और भाई ये देखिए भाई जादू वाला खेल। तो पूरा दलदल टाइप का बना हुआ है मिट्टी, देखिए घुटने घुटने तक नीचे चले गया, और अब ऊपर आने में देखिए ये देखिए कितना बहुत सारी तकलीफें होती है भाई। चल चप्पल पकड़।
काल गंगा का पार बिना मोए बिना तू जा। दो कितने हमें मिल गए हैं यहाँ पे गाइस, दो मच्छी मिल चुकी है और अभी हम निकालेंगे इसको। ले भाई वीडियो तो पानी। तो गाइस ये दो अभी एक साथ मिल चुकी है बड़ी मुश्किल से, आजकल मच्छी मिलने लग गई है। और ये 200 ग्राम की है, ये 50 ग्राम की मच्छी होगी। तो चल भाई है। तो फाइनली गाइस आज लक अच्छा रहा, तो गाइस यहाँ पे आने के लिए थोड़ा टफ है, तो मैं यहाँ से आया हूँ और ये इस साइड से आ रहा है। और भाई चलने में दिक्कतें हैं इस रास्ते पे, रास्ता भी कहाँ है ये, इन जगह सिर्फ पहाड़ी लोग ही चल सकते हैं या जंगली जानवर ही चल सकते हैं। चलो भाई